दोस्तों क्या हालचाल है आपके। तो आई होप आप बढ़िया ही होंगे। तो आपका एक बार फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मनीष मंडल में। फिलहाल सामने अपने हैं अपने हुंडई क्रेटा का EX सेकंड बैच वेरिएंट। बात करेंगे गाड़ी के प्राइस की और बात करेंगे गाड़ी के सारे फीचर्स के बारे में, हमें इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, इस गाड़ी की कितनी डिमांड है और मार्केट में, और क्यों इस गाड़ी की इतनी वेटिंग होती है, हमेशा की तरह हमेशा इस गाड़ी पर वेटिंग लगी रहती है भाई, क्योंकि एक वैल्यू फॉर वेरिएंट हो जाता है सेकंड बेस्ट वेरिएंट होने के बावजूद भी। तो इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे और बात करते हैं गाड़ी के प्राइस की। तो ये मिल जाती है 10,87,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाती है, और क्यों ये इस प्राइस में वैल्यू फॉर वेरिएंट हो जाता है, इसी के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। सबसे पहले बात करते हैं तो बीच में हुंडई का लोगो मिल जाता है, यहाँ पर हमें रेडिएटर ग्रिल देखने को मिल जाती है, इसके राउंड हमें यहाँ पर सिल्वर मैट वैक्स फिनिश का उपयोग किया गया है। चलते हैं नीचे तो हमें यहाँ पर टोहक के लिए ऑप्शन मिल जाता है, इस तरह से गाड़ी की पूरी फ्रंट प्रोफाइल होती है। चलते हैं गाड़ी को हेडलैम्प को देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, हेलोजन बल्ब के साथ में येलो लाइट के साथ में मिलते हैं। साथ में हमें इस गाड़ी में DRL मिल जाती है इस शेप में, आप देख सकते हैं, जो बहुत अच्छा लुक देती है गाड़ी को। नीचे हमें यहाँ पर फॉग लैम्प मिल जाते हैं, साथ में हमें यहाँ पर एयर कर्टन के लिए कुछ जगह मिल जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी हेलोजन बल्ब के साथ में आता है। वॉशर मिल जाते हैं, साथ में हमें दो वाइपर मिल जाते हैं यहाँ पर। बात करते हैं गाड़ी की चौड़ाई की, तो ये मिल जाती है हमें 1790 mm में गाड़ी की चौड़ाई मिल जाती है। अब चलते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल में, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं। बात करते हैं गाड़ी की लंबाई की, तो ये मिल जाती है हमें 4300 mm गाड़ी की लंबाई मिल जाती है। व्हील बेस की बात करते हैं तो ये मिल जाता है 2610 mm का हमें इसमें व्हील बेस मिल जाता है। बात करते हैं गाड़ी की ऊंचाई की, मतलब हाइट की, तो ये मिल जाती है हमें 1625 mm गाड़ी की हमें हाइट मिल जाती है। बात करते हैं गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसमें 190 mm का हमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। इस तरीके से भाई गाड़ी का पूरा डायमेंशन कवर होता है। बात करते हैं गाड़ी के टायर साइज की, तो यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के टायर प्रोफाइल की तरफ, तो भाई यहाँ पे मिल जाता है हमें 205/65R16 इंच का टायर मिल जाता है। साथ में हमें यहाँ पर स्टील रिम मिल जाता है, साथ में हमें व्हील कवर भी मिल जाता है। यहाँ पर ब्लैक कलर की क्लाइडिंग लगी हुई है, जो कि स्पोर्टी और एक अच्छा लुक दे रही है गाड़ी को। चलते हैं ऊपर, तो हमें यहाँ बॉडी कलर और भी मिल जाता है, इसी के अंदर हमें टर्न इंडिकेटर भी मिल जाता है, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाते हैं, और यहाँ पर भी हमें बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाता है रियर वाला भी। बात करते हैं ऊपर, तो हमें ए पिलर मिल जाता है, यहाँ पे हमें ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ मिल जाता है। यहाँ पर बी पिलर मिल जाता है हमें ब्लैक डाउट, और सी पिलर मिल जाता है हमें यहाँ पर सिल्वर कलर में, यहाँ पर हमें सी पिलर भी मिल जाता है। इस तरह से भाई गाड़ी के पूरे साइड प्रोफाइल कंप्लीट होती है। बात करते हैं आगे, तो आगे मिल जाता, आगे हमें डिस्क ब्रेक मिल जाता है। चलते हैं पीछे, तो पीछे भी हमें यहाँ पर डिस्क ब्रेक ही देखने को मिल जाता है, मतलब हमें दोनों जगह यहाँ पर डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है इस गाड़ी में। देखते हैं गाड़ी के रियर में, हम देख लेते हैं गाड़ी के रियर में हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। सबसे पहले देखते हैं गाड़ी में, यहाँ पर तो हमें रूफ पे मिल जाता है सॉर्फिन एंटीना मिल जाता है, यहाँ पर इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिल जाता है, यहाँ पर वाईफाई डिपावर किसी प्रकार कोई ऑप्शन नहीं मिलता हमें यहाँ पर। यहाँ पर हाई माउंटिंग स्टॉप लैंप की जगह सेंटर माउंटिंग स्टॉप लैंप मिल जाता है, जो भी LED में आता है। यहाँ पर हमें हुंडई का लोगो मिल जाता है, साथ में नीचे क्रेटा लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, देख सकते हैं आप यहाँ पर। साथ में हमें यहाँ पर रिवर्स पार्किंग के 4 सेंसर मिल जाते हैं, एक वहाँ पर, 2 और 3, इस तरह से हमको टोटल 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। बात करते हैं गाड़ी के रियल टेल लैंप की, तो हमें कुछ इस तरह से गाड़ी का रियल टेल लैंप देखने को मिल जाता है भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं LED बेस यहाँ पर दिया गया है, और अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं, अपर वेरिएंट लेते हैं, तो यहाँ पर आपको पूरे कनेक्टिक टेल लैंप भी मिल जाते हैं इस वेरिएंट में। भाई चेंजेस क्या किया गया है इस वेरिएंट में, तो ये किया गया है यहाँ पर पूरा ब्लैक कलर, लेकिन हमें यहाँ बॉडी कलर मिलता था, लेकिन अब क्या कर रहा है यहाँ पर रियल टेल लैंप, यहाँ पर ब्लैक इंसर्ट कर दिया गया, जिससे एक अच्छा खासा लुक मिलता है। हुड पर इतना जलता है पूरा, ब्रेक लगाएंगे तो ये पूरा जलेगा यहाँ से, और रिवर्स लैंप यहाँ पर मिल जाता है भाई, साथ में रिवर्स लैंप यहाँ पर नीचे मिल जाता है हमें इस तरीके से, और 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। स्क्रिट प्लेट मिल जाती है हमें यहाँ पर सिल्वर कलर के साथ हमें मिल जाता है। फुल फिलर कैप मिल जाता है, जो हमें मिल जाता है 50 लीटर का, यहाँ पर हमें फुल टैंक मिल जाता है। चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर, तो उसके लिए चाहिए हमें की, तो जिस तरह से हमें की मिल जाती है आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर हमें 3 स्विच मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक और बूट रिलीज का, यहाँ पे 3 हमें स्विच मिल जाते हैं। सबसे पहले हम गाड़ी को अनलॉक करते हैं, ये गाड़ी को लॉक करते हैं, चलते हैं अंदर भाई। तो इस तरीके से कुछ हमें गाड़ी का डोर ट्रिम देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डुअल टोन इंटर के साथ में हमें गाड़ी का डोर दिख जाता है। यहाँ पर ब्लैक कलर और यहाँ पर थोड़ा सा लाइट कलर का उपयोग किया गया है। यहाँ पर हमें चारों पावर विंडो के स्विच देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर हमें ORVM को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर एक स्विच मिल जाता है, बाकी यहाँ पर चारों पावर विंडो के स्विच मिल जाते हैं। ब्लैक कलर में हमें डोर हैंडल मिलता है, साथ ही ब्लैक कलर में लॉक अनलॉक का स्विच हमें ब्लैक कलर का मिलता है। चलते हैं नीचे, तो यहाँ पर हमें स्पीकर के लिए हाउसिंग मिल जाती है इसमें, यहाँ पर स्पीकर मिल जाता है, साथ में यहाँ बॉटल होल्डर मिल जाता है, साथ में हमें यहाँ पर मैक पॉकेट भी मिल जाता है। इस तरह से भाई गाड़ी का डोर ट्रिम पूरा कंप्लीट होता है। तो आप देख सकते हैं गाड़ी के फ्रंट केबिन को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको गाड़ी का फ्रंट केबिन देखने को मिल जाता है।
चलते हैं पीछे, तो यहाँ पर भी पीछे केबिन इस तरीके से देखने को मिल जाता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी के ड्राइवर सीट से। तो भाई यहाँ पर हमें हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, ड्राइवर सीट, जिससे अपनी हाइट के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में जो पीछे का बैक है, इसे भी हम अपनी हाइट के अनुसार अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं हमें यहाँ पर चारों, 1, 2, 3, 4 आप देख सकते हो। चारों डोर पर हमें स्पीकर मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4 चारों डोर पर स्पीकर मिल जाते हैं। इस तरह से हमें डुअल टोन डैशबोर्ड मिल जाता है, ये भी ब्लैक कलर और लाइट कलर के साथ में है, जो बहुत अच्छा लुक दे रहा है इस गाड़ी के डैशबोर्ड को। अब भाई चलते हैं यहाँ पर गाड़ी के अंदर। तो भाई यहाँ पर लगाते हैं की गाड़ी की लगा दी भाई इस तरीके से हमने यहाँ पर। तो भाई कुछ इस तरीके से गाड़ी का हमें डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग की बात करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। इस तरीके से कुछ हमें गाड़ी का डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। सबसे पहले स्टीयरिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है, टेलीस्कोप ऑप्शन नहीं मिलता है यहाँ पर हमें। इस तरीके से हमें गाड़ी का स्पीडोमीटर एक तरफ, एक तरफ टेकोमीटर मिल जाता है, बीच में छोटी सी एमआईडी मिल जाती है जिसमें हम गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। यहाँ पर हमें एक तरफ फ्यूल के लिए ऑप्शन मिल जाता है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हमें टेम्परेचर के लिए यहाँ पर हमें एक मीटर मिल जाता है। एसी वेंट मिल जाता है, 1, 2, 3, 4 हमें एसी वेंट मिल जाते हैं। इसके सराउंड यहाँ पर क्रोम का उपयोग किया है, जो एक अच्छा खासा लुक दे रहा है हमें इस गाड़ी में। स्टीयरिंग क्लस्टर की सेटिंग करने के लिए यहाँ पर हमें ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ स्विच दिए गए हैं। इधर हमें स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल मिल जाते हैं टेलीफोनिक कंट्रोल के साथ में। इधर चलते हैं तो हमें यहाँ पर हेडलैम्प के स्विच मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हमें वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं। इस तरीके से हमें मिल जाते हैं यहाँ पर कंट्रोल से, है ना। अब चलते हैं भाई बीस बात करते हैं गाड़ी के सेंट्रल कंसोल की। तो यहाँ पर हमें एक म्यूज़िक प्लेयर मिल जाता है, इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, साथ में इसके यहाँ पर हमें टच बटन के साथ में नहीं मिलते हैं। फिजिकल से हमें स्विच मिल जाते हैं यहाँ पर हमें सारे, इस तरीके से दिया गया आप देख सकते हैं। चलते हैं नीचे, तो यहाँ पर हजार्ड लैंप का स्विच मिल जाता है। यहाँ पर एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ब्लोअर को स्पीड बढ़ाने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर एसी के लिए मिल जाता है। यहाँ पर हमें कुछ जगह मिल जाती है, यहाँ पर 12 वाट को पावर आउटलेट चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पर USB, यहाँ पर हमें सिक्स गियर स्पीड का गियर लेवल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हैंड ब्रेक मिल जाता है, देख सकते हैं। यहाँ पर हमें वाटर होल्डर मिल जाता है, यहाँ पर हमें मिल जाता है, स्लाइडिंग नहीं है, फिक्स है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ जगह मिल जाती है अंदर। भाई बात करते हैं ऊपर, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है टिकट होल्डर मिल जाता है, यहाँ पर मिल जाता है। इधर चलते हैं तो यहाँ पर हमें मैनुअल IRV मिल जाता है, इसको अपने हिसाब से मैनेज करना है। चलते हैं इधर, तो यहाँ पर हमें वैनिटी मिरर मिल जाता है, यहाँ पर हमें लाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं, येलो लाइट के साथ में आता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमें सनग्लास होल्डर मिल जाता है ऊपर, देख सकते हैं आप। यहाँ पर हम चारों तरफ हमें यहाँ पर ग्रिप हैंडल मिल जाते हैं, इस तरीके से भाई पूरा फ्रंट कवर होता है। यहाँ पर कुछ स्विच दिए गए हैं, यहाँ तो ए ऑफ का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर हैंडलैम्प को लेवल करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर एक स्विच मिल जाता है। एयरबैग की बात करते हैं, तो एक यहाँ पर ड्राइवर साइड एयरबैग मिल जाता है, एक पैसेंजर साइड एयरबैग मिल जाता है, और दो यहाँ पर हमें सीट के साथ में भी हमें एयरबैग मिल जाता है, साथ में हमें कर्टन एयरबैग भी मिल जाता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल हमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टोटल हमें इस गाड़ी के साथ में 6 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं, जो एक अच्छा खासा है इस गाड़ी के साथ में। अब चलते हैं पीछे, अब देख लेते हैं पीछे की साइड में यहाँ पर। तो भाई रियर डोर की बात करते हैं, तो हमें रियर डोर में कुछ इस तरह के डोर ट्रिम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी हमें डुअल टोन कलर के साथ में रियर डोर ट्रिम देखने को मिल जाता है, एक तरफ ब्लैक कलर, यहाँ पर कुछ व्हाइट कलर का उपयोग किया गया। यहाँ पर हमें पावर विंडो का स्विच मिल जाता है, यहाँ पर लॉक अनलॉक के लिए एक स्विच मिल जाता है जो ब्लैक कलर में आता है। साथ में यहाँ पर डोर हैंडल भी हमें यहाँ पर ब्लैक कलर का मिल जाता है। साथ में स्पीकर की यहाँ पर जगह दी गई है, चारों डोर पर 4 स्पीकर दिए गए हैं। यहाँ पर नीचे हमें बॉटल होल्डर और मैप पॉकेट मिल जाता है। इस तरीके से भाई रियर केबिन देखने को मिल जाता है आपको। बात करते हैं गाड़ी के थाई सपोर्ट की, तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा थाई सपोर्ट मिल जाता है, बहुत बढ़िया मिल जाता है। साथ में इसकी कुशनिंग भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी है। चलते हैं ऊपर, तो यहाँ पर हमें हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, साथ में 60-40 का भी हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है सीट को एडजस्ट करने के लिए। भाई यहाँ पर थोड़ी स्पेस कम है, क्योंकि यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रहा है अंदर जाने मुझे। बात करते हैं रियर एसी वेंट की, तो यहाँ पर हमें रियर एसी वेंट मिल जाता है, बी सेंटर में हम का लेवल यहाँ पर अच्छा है, यहाँ पर 3 लोग बड़ी आसानी से बैठ जाते हैं, और अच्छा खासा हमें एयर केबिन मिल जाता है। यहाँ पर हमें रीडिंग लैंप मिल जाता है, देख सकते हैं येलो कलर में आप। यहाँ पर चलते हैं, इस तरीके से भाई पूरा कवर होता है ये रियर केबिन भी। पीछे से कुछ गाड़ी का केबिन आपको इस तरीके से दिखाई देगा, आगे फ्रंट का आप देख सकते हैं, यहाँ से कुछ इस तरीके से गाड़ी दिखाई देगी आपको। भाई करते हैं बंद डोर को,
आप देख लेते गाड़ी के हम बूट स्पेस को, तो भाई यहाँ पर हमें बहुत बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। आप देख सकते कितना शानदार बूट स्पेस है यहाँ पर, वो मिल जाता है हमें 433 लीटर का हमें यहाँ पर बूट स्पेस मिल जाता है। साथ में हम अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं तो भाई यहाँ पर हमें मिल जाती है सीट, यहाँ पर 60-40 का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे हम इन सीट को फोल्ड करके बड़ी आसानी से हम यहाँ पर बूट स्पेस को बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें इधर बूट लैंप मिल जाता है इधर, और यहाँ पर हमें पार्सल टेक का ऑप्शन नहीं मिलता इस वेरियंट में, क्योंकि सेकेंड वेरियंट यहाँ पे हमें पार्सल टेक का ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि सेकंड बेस्ट वेरिएंट है, इससे ऊपर वाले वेरिएंट में आपको पार्सल टेक मिल जाएगी। यहाँ पर हमें हुक मिल जाता है सामान को रखने के लिए। बात करते हैं गाड़ी के स्पेयर व्हील की, तो भाई कुछ इस तरीके से हमें स्पेयर व्हील मिल जाता है। बात करें साइज की, तो ये मिल जाता है हमें, कितना साइज का मिल जाता है, तो ये मिल जाता है हमें 16 इंच का मिल जाता है, 205/65R16 16 इंच का हमें यहाँ पर मिल जाता है। इस तरीके से इसको वापस लगाते हैं, बंद करते हैं भाई। इसके यहाँ पर एक हमें हैंडल दिया गया है, ताकि इसे पकड़ कर हम बड़ी आसानी से इसको बंद कर सकते हैं। बात करते हैं गाड़ी के इंजन के, इसमें मिल जाता है 1.5 लीटर U2 CRDI सीरीज का इंजन मिल जाता है, जो 1500 cc के साथ में आता है। अधिकतम पावर जनरेट करता है 113 BHP की, अधिकतम टॉर्क जनरेट करता है 250 Nm का। माइलेज मिल जाता है इसमें हमें 1819 का, हमें अच्छा खासा माइलेज मिल जाता है। इसमें सिलेंडर संख्या मिल जाती है हमें 4, इसमें हमें ABS, EBD, ESP, हील होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल, जैसे तमाम सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं इस गाड़ी के साथ में। और भाई बात करते हैं गाड़ी के प्राइस की, तो ये मिल जाती है हमें एक्सोरूम 10,87,000 रुपये में। तो भाई ये थी गाड़ी, गाड़ी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, गाड़ी अच्छी लगी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना मनीष मोडल चैनल को। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भाई प्लीज़ सब्सक्राइब मी।